हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और अपना आज का वीडियो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पर बेस्ड है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को कम टाइम में, क्वेश्चन को देखते ही बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आज का अपना जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, कैसे डिफाइन है, ये सारी बातों को समझ लेते हैं और फिर हम झट से पहुंचेंगे ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट है। तो बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ एनबी माइनस एनए। यहां पर एनबी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और एनए का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ओके, सो ये तो मैंने बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बट सबसे बड़ी चीज कि आखिर बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो किन्हीं भी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में। किस तरह से यह रिप्रेजेंटेशन होता है तो चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो इसका मतलब है कि किन्हीं दो एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक इसी तरह से अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इट रिप्रेजेंट द डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स। अगर किन्हीं दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब क्या हो गया कि किन्हीं दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हाईलाइट करते जाइए, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अगर किसी के बॉन्ड ऑर्डर को हम देखें कि फ्रैक्शनल आता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास फ्रैक्शनल आ गया तो इसका क्या मतलब है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल का मतलब है वहां पर उन दो एटम्स के बीच में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो मॉलिक्यूल या वो स्पीशीज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। जो भी मॉलिक्यूल, जो भी स्पीशीज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा उनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है ड्यू टू पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, तो ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों ने किताबों में भी पढ़ा होगा, बट अपने को सीखना है बॉन्ड ऑर्डर चुटकियों में सॉल्व करना। तो बॉन्ड ऑर्डर देखते ही सवाल को बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे बताएंगे, अपने को तो ट्रिक सीखनी है ताकि क्वेश्चन आया और हमने झट से आंसर दिया। और ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर को जानने से पहले हम एक्चुअल में जो कॉन्सेप्चुअली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं जरा ये जान लें। तो जैसे कि यहां पर हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। ट्रिक सीखने से पहले जरा यह भी जान लें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका सही पैटर्न क्या है, इसका लॉन्ग कट मेथड क्या है, जिस तरीके से हमें स्कूल लेवल पे सिखाया जाता है या हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते वक्त बताया जाता है। तो जब हमें अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं 1s, तो 1s एंड 1s स्टार, 1s स्टार का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग और 1s का मतलब हो गया बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम इनमें फिल करेंगे, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ओके, इनको नोट कर लेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये बॉक्स जो बने हुए हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम पुट करते हैं। ओके, ठीक इसी तरह से 1s के बाद आते हैं 2s। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर 1s2, 2s2, 2p6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग में। ठीक है, तो 1s 2s इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। फिर यहां पर देखिए 2p वाले में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड।
तो इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करके हमें सिखाया जाता है। तो भाई जितने स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग और जितने बिना स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग। तो फॉर्मूला लग जाता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ओके, ये तो हो गई बात कि अप टू 14 ऐसा होगा। आफ्टर 14 क्या करेंगे? अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएंगे तब क्या करेंगे? तब देखिए 1s और 2s वाला सेम रहेगा, सिर्फ इसमें चेंज हो जाएगा, सिग्मा 2pz नीचे और पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1s और 2s वाले सेम है, एक ही जैसे है, सिर्फ 2p वाले में चेंज होगा। 2p वाले में देखिए सिग्मा 2pz नीचे आ गया और पाई 2px पाई 2py ऊपर चला गया। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि अप टू 14 जैसा ABMO, ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा ABMO वैसा ही BMO। आफ्टर 14 क्या होगा? इसको रिवर्स कर देंगे, इसको पलट देंगे, तो सिग्मा 2pz नीचे चला जाएगा, पाई 2px पाई 2py ऊपर आ जाएगा। तो ये काम जो चेंज होता है वो सिर्फ BMO में होता है और सिर्फ यहां पर होता है चेंज, बिफोर 14 एंड आफ्टर 14। ओके, लेकिन अपने को तो ये सब नहीं सीखना, ये सब तो लंबे मेथड हैं, ये सब तो अपने को किताबों में भी मिल जाएंगे, है ना। तो अपने को क्या सीखना है? ट्रिक सीखनी है, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ट्रिक क्या है बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने की? तो हेडिंग डालेंगे आप सभी मेरे साथ ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। चलिए देखिए ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं और इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से लिख लेता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिख लिया 9 से लेकर 20 तक। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। ये मार्क कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब 14 से पीछे आते जाइए और 0.5 कम करते जाइए, यानी यहां पर हो गया 2.5, यहां हो गया 2, यहां हो गया 1.5, यहां हो गया 1 और यहां हो गया 0.5। समझ गए? अब 14 के आगे की बात करते हैं। तो 14 के आगे की अगर बात करें तो यहां पर भी 0.5 कम करते जाइए, तो यहां पर भी आ गया 2.5 2 1.5 और 1 और फिर 1 के बाद 0.5 और अगर 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये एक आप टेबल बना लीजिए, तो इससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं उससे आपको बॉन्ड ऑर्डर का तुरंत आइडिया मिल जाएगा। ओके, एक बात और इंपॉर्टेंट कि ये जो टेबल है ये वैलिड है, वैलिड फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये वैलिड है। ओके, और अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी अगर मैं बात करूं नीट की, जेई मेन की, जेई एडवांस की, 11 ट्वेल्थ की, तो हमारे 11 ट्वेल्थ और इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल को ही लेकर बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, जो पॉलीएटॉमिक स्पीशीज हैं वो रेजोनेंस से फाइंड आउट करते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर। अगले वीडियो में आपको उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी आप यहां तक जल्दी से नोट करेंगे, ये 9 से पीछे क्यों नहीं लिया मैंने? तो 9 से पीछे के नंबर इसलिए नहीं लिए कि अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो 1s और 2s वाले में ही 8 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो जाते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम फंसती है कि जब 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है तो हम इतना बड़ा डायग्राम बनाएं या बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें, तो उसके लिए ये मेनली ट्रिक है, जो कि ज्यादातर सवाल हमें ऐसे ही मिलेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये तो था ट्रिक जो आपने सीखा, क्या सीखा? 14 पे 3 और उसके पीछे 0.5 कम करते जाना है, और 14 पे 3 और उसके आगे भी अप टू 20 तक 0.5 कम करते जाना है। ये था बेसिकली ट्रिक। अब इस ट्रिक को चलिए क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और ये जानते हैं कि क्वेश्चंस सॉल्व भी होते हैं या नहीं इस ट्रिक से। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है जरा देख सकते हैं आप, स्पीशीज कौन कौन से हैं और इनका मुझे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, 6, 6, 12, 12 के अकॉर्डिंग हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2।
चलिए अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए, एन टू सेवन सेवन फोर्टीन, फोर्टीन के अकॉर्डिंग थ्री, ओ टू एट एट सिक्सटीन, सिक्सटीन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा टू, सी एन सिक्स एन सेवन थर्टीन, थर्टीन के अकॉर्डिंग हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, क्योंकि 14 पे 3 होता है तो 13 पे कितना हो जाएगा 2.5, CO 6 और 8 14, 14 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 3। चलिए इधर देखते हैं, N2 माइनस 7 7 14 और 1 15, 15 पे कितना हो जाएगा 2.5, ओके 2.5 हो जाएगा। O2 माइनस 8 8 16 और 1 17, 17 पे कितना हो जाएगा 1.5। CN माइनस 6 और 7, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं, 6 और 7 13 और 1 14, 14 पे कितना हो जाएगा 3, 14 पे कितना हो जाएगा 3, ओके। O2 2 माइनस 8 8 16 और 2 18, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, 8 8 16 और 2 चले गए तो हो गया 14, 14 पे कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये था एक शॉर्टकट, एक ट्रिक, जिससे आप लोगों ने देखा कि हम होमोन्यूक्लिक स्पीशीज, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल और उसमें चार्जेस अगर लग जाएंगे, केटायन एडायन आ जाएगा, तो उन सभी का हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, और लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस हो, खुश रहने की आदत डालिए। बाय बाय।